चलो दोस्तों, आज आपको कंबाइन फोटो एडिट करना सिखाते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ग्लास फोन बनाने से भी ज्यादा आसान होगा। ये सारी की सारी एडिटिंग मैंने पिकार्ड की मदद से की। आपको सुन के हैरानी जरूर होगी, क्योंकि इसमें जो ग्लास फोन मैंने बनाया वो भी पिकार्ड की मदद से बनाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं किंग्स प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। भाई का वीडियो है तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है। तो सीधा चलते अपना पिकार्ड ओपन करते हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। कंबाइन आर्ट के लिए कभी भी आप एक फोटो का यूज मत कीजिए। आपको दो डिफरेंट पोज वाली फोटो चाहिए होती है। और दो डिफरेंट पोज आप कैसे ले सकते हो? आपको किसी भी मॉडल के इंस्टाग्राम पे जाना है और वहां से उसकी मिलती जुलती जो फोटोज है उनका स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने फोन में सेव कर लेना है, और उसको बाद में आप कंबाइन वाली आर्ट बना सकते हो। मैंने एक आयजा खान वाली आईडी से दो मिलती जुलती फोटोज का स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने रख लिया है। दोस्तों, अपनी पिकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको मिलता है प्लस का बटन, जिसके जरिए आप अपनी फोटो इंपोर्ट करेंगे। दोस्तों, बैकग्राउंड के लिए मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया, ये स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले इसको कटआउट करना होगा। कटआउट करना मतलब इसको क्रॉप करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप पे जाते हो, जल्दी से इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप डिसाइड करें आप डीपी बना रहे हैं या फिर कवर बना रहे हैं। कवर बनानी है तो इसका डीपी कवर का जो फेसबुक कवर का यहाँ पे साइज दिया गया है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डीपी बनाने वाला हूँ तो आपको स्क्वायर 1x1 रखना है। जब भी आपने डीपी लगानी है, प्रोफाइल फोटो लगानी है, तो 1x1 उसका स्क्वायर साइज होना चाहिए। तो स्क्वायर में आपको क्या करना है, यहाँ पे वो वाला पार्ट रहना जो अनवांटेड पार्ट है वो आपको क्रॉप कर लेना बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके मैंने कर लिया, एंड यस कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वो वाली फोटो सिलेक्ट करनी है जो आप कंबाइन करना चाह रहे हैं इसके साथ। तो मैं अपनी फोटो इंपोर्ट करता हूँ जल्दी से अपनी गैलरी से। तो ओके, मैंने कंबाइन वाली फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इसको भी सबसे पहले आते ही हमें क्रॉप दे देना है जल्दी से, जितना क्रॉप इसको इतना देना जितना पार्ट आपको अंदर चाहिए कंबाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं इतना पार्ट लेके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट कटआउट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर कटआउट की आपको कैंची सी बनी हुई है स्नेयर सा, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टूल के ज़रिए हमें क्या करना है, अपनी फिंगर की मदद से इसका जो पार्ट हमें कटआउट में लेना है वो पार्ट सेलेक्ट कर लेना है इस तरह, ठीक है। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे आई नो। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर रफली, आई नो रफली सेलेक्ट हो रहा है लेकिन ये खुद ही ऑटोली ही काम करेगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी सिलेक्शन में दे देगा हमें, बहुत अच्छी सिलेक्शन दे दिया इसने, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट रह गया। जो पार्ट रह गया हम उसको ब्रश की मदद से, ये देखिए ब्रश की मदद से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसको फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा जो रेड कलर है ये सिलेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको पूरा पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं जल्दी से कर रहा हूँ रफली, आप इससे बेहतर कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर सेव के बटन पर डायरेक्ट क्लिक करता हूँ एंड ये हमारी यहाँ पे कंबाइन होके आ चुकी है। ये देखिए अब बैकग्राउंड पे पिंक कलर था, हमारी फ़ोटो का भी पिंक कलर था, ये बहुत अच्छी कंबाइन हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे एज नहीं दिख रहे, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ पे रख देना एंड थोड़ा सा जूम आउट किया, और अब ये देखो अब इसको क्या करना है, यस कर देता हूँ मैं। अभी ये फ़ोटो थी, इसमें ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोटो ही ऐसी हमने सेलेक्ट की कि इसमें ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप कोई फ़ोटो जब कंबाइन करोगे उसमें एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एडिटिंग आपको क्या करनी है, यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर कर्व्स के ऑप्शन में मिलती है, इसके ज़रिए आप बैकग्राउंड की फ़ोटो को अपनी आगे वाली फ़ोटो के साथ मैच कर सकते हो। मैं कैसे आपको बताता हूँ, ये देखिए आप यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट, सॉरी ये नहीं करना था हमें यार, वापस आओ। ओके, यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। इसमें पिंक कलर था इसलिए मैंने रेड कलर लिया, बाकी कलर को भी आप इसी तरीके से मतलब तंग कर सकते हो अच्छे तरीके से, जैसे भी आपको करना चाहिए आप इसको देख सकते हो। मैं इसको जल्दी से ओके कर देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। तो यार जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ग्लास फोन बना सकते हो। यही तो मेन टिप्स थी हमारी कि आप पिकार्ड की मदद से इतना औसम ग्लास फोन कैसे बना सकते हो। तो मैं टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक नाम लिखता हूँ, मैंने पहले से कोई सोचा हुआ नहीं है। तो फातिमा FATIMA, कोई भी आप में से किसी का नाम हो तो ये डीपी मैं अपने पेज पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी फ़ॉन्ट रहता है आप यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो था उसी को ही रख के यहाँ पे ग्लास फोन बनाने वाला हूँ। तो इसको क्या करना है, जल्दी से हमें क्या करना है, यहाँ पर शेडो की ऑप्शन मिलेगी, शेडो दे देना इसको। शेडो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर ब्लैक होता है, शेडो का ब्लैक कलर ही होना चाहिए। एंड ओपेसिटी जो है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, इसका ब्लेंड मोड जो है हमें चेंज कर देना है। चेंज करने से ये देखो मल्टीपल कर दिया, लेकिन पहले हमें नॉर्मल रखना है। अब क्या करना है, ये डबल पेज वाली साइड पे ऑप्शन आपको मिल रही है, ये देखिए
आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट मिल रहा है। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रही तो आप अपना पिकार्ट अपडेट कीजिए, जाके प्ले स्टोर से जाके प्ले स्टोर ये अपडेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट है, कोई प्रो वर्जन मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं प्रो वर्जन यूज़ नहीं करता, मैं बिल्कुल नॉर्मल करता हूँ जो हर किसी के पास होता है। तो मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट आ चुका है। इसको ओपन करते हैं। जो नीचे वाला फ़ॉन्ट था इसको हमने क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड जो था हमें क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। अब वो देखिए उसी तरीके से वो नीचे खाली ब्लैक एरिया रह गया, वाइट एरिया हट चुका है। मल्टीपल का यही मतलब होता है, वाइट एरिया जो भी हो वो हट जाता है। तो अब दूसरे फ़ॉन्ट को फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस करूँगा, बिल्कुल ऊपर। बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखिए आपको जो अलाइंस हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं कि ये बाकी बिल्कुल इसके ऊपर है। तो मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब इसको क्या करना है, मुझे डायरेक्ट जाना है, यहाँ पर जाना है हमें ब्लेंडिंग मोड में। इसका ब्लेंड मोड यहाँ पे ओवरले करा देना है। ये देखिए ओवरले कर दिया और ये बहुत ही कूल, यकीन करो बहुत ही कूल ग्लास फोन बन चुका है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें कोई एडिटिंग नहीं की, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की। बहुत ही कूल आप यहाँ पे ग्लास फोन बना सकते हो। जिन लोगों के पास फोटोशॉप नहीं है या अपने फ़ोन में नहीं करना चाहते, लो एंड फ़ोन है उनके पास और उनके लिए ये बेहतर तरीका है, वो इसके ज़रिए आप बहुत अच्छा ग्लास फोन बना सकते हो। बाकी की एडिटिंग क्या रहती है, नीचे आपको PNG रखनी है, ऊपर आपको बबल PNG है, वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। और ग्लास इसमें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट का स्टाइल है, वो भी मैं पहले एक दिन पहले ही वो वीडियो भी अपलोड किया है। तो वो सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो। मुझे नहीं लगता आपका इस बारे में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो चलें मुझे दीजिए इजाज़त इसके साथ ही। उम्मीद आप समझ गए होंगे सारी बातें जो मैंने की। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।